जनार्दन द्विवेदी जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, राजा रामपाल जी, बाबू रामाधीन अहिरवार जी, मनोज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो हजार चार से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और जब हमने वो चुनाव लड़ा था, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं और एक भी वायदा पूरा नहीं करती। हमने आपसे एक वायदा किया और वो वायदा हमने पूरा किया। वायदा था कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीब की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े लोगों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की सरकार बनेगी, और जो भी हम करेंगे वो हम कमजोर लोगों के लिए करेंगे, गरीब लोगों के लिए करेंगे, गरीब लोगों के लिए करेंगे। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग थे और एनडीए के लोगों ने भी एक नारा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। जब उनके नेता से पूछा गया, ये आप नारा कहां से लाए, उनको कहा गया, मीडिया को कहा कि ये नारा हमें टीवी में मिला। टीवी को हम एक रात देख रहे थे, और उसमें एक सूट का इश्तेहार आया, और सूट के इश्तेहार में लिखा था, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा कि भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, बुंदेलखंड के गांव में नहीं गए, घरों में नहीं गए, कह दिया इंडिया शाइनिंग, और आपने हमारी सरकार बनवाई, आम आदमी की सरकार बनाई। हमने पहली बात क्या की, गारंटी रोजगार योजना, हर एक गरीब व्यक्ति को हमने रोजगार की गारंटी दी। हमने कहा, अगर कोई भी इस देश में गरीब है, हम उसे 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, मतलब 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को देने वाले। और ऐसी स्टेज से मायावती जी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। अब जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गरीब से गरीब व्यक्ति से पूछिए मनरेगा से क्या फायदा हुआ, और वो आपको बताएंगे मनरेगा से इज्जत मिली, पहली बार गांव में रोजगार पहुंचा, और ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़। और यहां मायावती जी खड़ी होती है और कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट हाउस में बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, जब गरीबों की बात होती है तो सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, जब अमीरों की बात होती है तो यह सवाल कभी नहीं उठता पैसा कहां से आएगा, और यह पैसा किसका है, यह आया कहां से, यह आपका पैसा है, आपकी मजदूरी का पैसा है, आप जो खेतों में काम करते हो उसका पैसा है, महाराष्ट्र में जाते हो, हरियाणा में जाते हो, दिल्ली में जाते हो, काम करते हो, उसका पैसा है, प्रगति का पैसा है, और यह प्रगति आपकी है,
हम सिर्फ एक काम करते हैं, आपका जो पैसा है वो हम आप तक भेजते हैं। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। 35 किलो हर एक परिवार को हम अनाज दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस देश को बढ़ाते हो आगे, आप इस देश के लिए लड़ते हो, काम करते हो और आपको इज्जत मिलनी चाहिए और आपके बच्चों को, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको, बच्चों को और उनको पूरा भोजन मिलना चाहिए। भोजन के अधिकार की बात की, एक तरफ मायावती जी खड़ी हो गई और कहती है नाटक है कांग्रेस पार्टी का। किस प्रकार का नाटक है? हजारों करोड़ रुपए हम आपके लिए भेज रहे हैं, 35 किलो अनाज दे रहे हैं और मायावती जी कहती है नाटक। सिर्फ एक है यूपी में, जादू का हाथी वाला नाटक जो लखनऊ में बैठा हुआ है। हाथी लखनऊ में बैठा है। आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास खाता है। मायावती जी का हाथी है वो आपका पैसा खाता है, आपकी कमाई का पैसा खाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश को बदलना है। 22 साल से कभी यहां साइकिल, कभी हाथी, कभी उम्मीद की साइकिल, आप उस पर 3 बार उम्मीद किए और फिर वो भड़ाक से पंचर हुई 3 बार। कभी साइकिल तो कभी जादू का हाथी और बीच में यूपी की जनता पिसी जा रही है, यूपी का भविष्य पिसा जा रहा है, यूपी का युवा पिसा जा रहा है। हम चलाते हैं सबकी सरकार, हम किसी एक जात की सरकार नहीं चलाते हैं, किसी एक धर्म की सरकार नहीं चलाते। और जहां भी हमें गरीब लोग मिलते हैं, जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम करते हैं। बुंदेलखंड पैकेज किसने दिलवाया? बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, पूरा बुंदेलखंड रो रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, बीजेपी के लोग नहीं आए, बीएसपी के लोग नहीं आए। मैंने स्टेज से कहा, मायावती जी को कहा कि मायावती जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, बुंदेलखंड रो रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, आप जाइए, जनता के बीच जाइए, अपनी आंखों से देखिए क्या हो रहा है और मदद करने की कोशिश कीजिए। और मायावती जी ने जवाब दिया, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। मैं आपके बीच में गया, आपके डेलीगेशन को प्रधानमंत्री के पास ले गया, 8,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड को मिला। क्या वो आप तक पहुंचा? एक रुपया पहुंचा आप तक? मैं किसानों के बीच गया, किसानों ने मुझे कहा यूपी सरकार ने बीमार बकरियां भेजी, हमारी जो सही ठीक बकरियां थी वो भी मर गई। कुएं बनवाने से पैसा हमने भेजा, किसान ने अपना पैसा डाला और जो पैसा आना था बुंदेलखंड पैकेज का पैसा जो आना था वो पहुंचा नहीं, उल्टा किसान का नुकसान हुआ, उसके भी पैसे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। और आपकी मुख्यमंत्री कहती है कि नाटक हो रहा है। एक बार नहीं आए यहां मुलायम सिंह यादव जी, यहां नहीं आए, चुनाव का समय है और कह रहे भैया, कुछ दिन पहले भाषण में कहा कि जो रिक्शा वाले हैं उनको हम भूखा नहीं जाने देंगे। हमारी योजना है, हमने पार्लियामेंट में रखा है और पूरे उत्तर प्रदेश में वो बता रहे हैं कि वो उनकी योजना है
और वो ऐसी एक योजना लाने वाले हैं। पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं, पूरा डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, और यहां आके कह रहे हैं कि हम ऐसी योजना लाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में योजना पड़ी हुई है, पैसा है, हम भेजने वाले हैं। आपने जब राज किया, तीन बार राज किया, तो नहीं सोचा इसके बारे में, भोजन के अधिकार के बारे में तब नहीं सोचा, रोजगार का अधिकार जो हमने दिया था उसको नहीं चलाया, चुनाव के दो तीन महीने पहले बेरोजगारी भत्ता की बात की, और अब बात करते हैं कि भाई भोजन की योजना। हमारी योजना है, हजारों करोड़ रुपए भेज रहे हैं हम, और हम चलाएंगे जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, और आप तक उसका पैसा पहुंचाएंगे, भोजन पहुंचाएंगे। बुनकरों की बात करना चाहता हूं, बुनकरों की बात करना चाहता हूं। बुनकर आए हमारे पास और उन्होंने कहा, देखिए किसानों की आपने मदद की, 7,000 करोड़ रुपए आम आदमी की सरकार ने किसानों को दी, बैंकों के दरवाजे खोले। हमारे सामने बहुत मुश्किलें हैं, काम नहीं मिलता हमें, कुछ कीजिए। मायावती जी के पास हम गए, बुनकर गए, और मायावती जी ने उन्हें कहा कि भाई कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास आए, हम उनको प्रधानमंत्री के पास ले गए, दो तीन दिन नहीं लगे उनको पैकेज मिला, कर्जा माफी हुई, बुनकर क्रेडिट कार्ड मिला, धागे पे छूट मिली, 2,00,000 रुपए के लोन मिले। ये काम हमने किया, ये काम बीएसपी ने नहीं किया, ये काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सच्चर कमीशन हमने बैठवाया, और सच्चर कमीशन ने पहली बार कहा कि अल्पसंख्यक प्रगति में नहीं शामिल हुए और उनको शामिल होना चाहिए। ये काम मुलायम सिंह यादव जी ने या मायावती जी ने नहीं किया, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। करोड़ों रुपए हमने हर डिस्ट्रिक्ट को भेजे जहां अल्पसंख्यक भाई बहन है, स्कॉलरशिप भेजी, क्या आप तक पहुंची? नहीं मिली। हम चाहते हैं सब लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आरक्षण की बात की हमने, जब हमने आरक्षण की बात की, मायावती जी ने कहा कि भाई हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप कर सकती हैं स्टेट में, क्यों नहीं किया आपने 5 साल के लिए? जब प्रेस वालों ने पूछा मुलायम सिंह यादव जी से आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, सन्नाटा छा गया था, जैसे इस मीटिंग में अभी है, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। और जब हमने आरक्षण किया, जब प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण किया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई कम किया, आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, आपने नहीं किया, अगर आपको कम लगता है तो अपने मैनिफेस्टो में लिख लीजिए कि कम है, मगर नहीं लिखेंगे और कभी नहीं करेंगे। नेशनल हाईवे में पे मैं अभी आ रहा था, बढ़िया सड़क थी, किसने बनवाई? कांग्रेस ने बनवाई। नेशनल हाईवे का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। रोजगार योजना किसने दी? कांग्रेस ने दी। बुनकर पैकेज किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। भट्टा प्रस्ताव में किसानों की लड़ाई कौन लड़े? कांग्रेस पार्टी लड़ी। समाजवादी का बीएसपी का कोई खड़ा नहीं था वहां पे। भोजन का अधिकार कौन देने वाला है? कांग्रेस पार्टी देने वाली है, क्योंकि हम सब लोगों की पार्टी है, हम किसी एक जाति किसी एक धर्म की पार्टी नहीं, हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जाते हो महाराष्ट्र में काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, हरियाणा पंजाब में काम करते हो, उन प्रदेशों को आप तेजी से आगे बढ़ा रहे हो। करोड़ युवा है इस प्रदेश में,
अब इस देश इस प्रदेश को आगे बढ़ाओ। बाकी प्रदेशों में को आपने बढ़ा दिया, दिल्ली में मेट्रो बना दी, बंबई में बड़े बड़े उद्योग खड़े कर दिए, अब यूपी को बदलिए। चुनाव से पहले आते हैं ये लोग, कभी हाथी आता है कभी साइकिल आती है और वायरस शुरू कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी, 4 बार मायावती जी, बीजेपी के लोग क्या किया 22 साल में इन्होंने? कुछ किया बताओ मुझे, एक चीज बताओ जो इन्होंने की। कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहा है तो कह रहे भैया उत्तर प्रदेश को चमका देंगे, 22 साल क्या किया आपने? क्यों नहीं चमकाया? पैसे लूटे, चोरी की, तब कुछ नहीं कहा। तब का भैया नाटक है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी गांव में जाता है तो नाटक कर रहा है। आप गांव में क्यों नहीं गए? जनता से बात क्यों नहीं की? किसानों से बात क्यों नहीं की? मजदूरों से बात क्यों नहीं की? चुनाव से 1 महीने पहले खड़े हो गए भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, बात मत मानिए इनकी, हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं, किसानों के लिए लड़ना चाहते हैं, मजदूरों के लिए लड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं, हम यहां इसलिए आए। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश को यहां बदलने आए और आपको बदलना है, उत्तर प्रदेश के युवा को बदलना है, कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है आपको बदलना है। चुनाव है आपके सामने, आपको बूथ पर लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और मैं जानता हूं कि जिस दिन यहां पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी उस दिन उत्तर प्रदेश में बदलाव शुरू होगा। बुंदेलखंड को कभी नहीं भूला जाएगा, बुंदेलखंड के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को हम नहीं भूलने वाले और हम नहीं भूले। ये बाकी लोग जो बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब बुंदेलखंड हो रहा था, जब बुंदेलखंड में सूखा था, ये लोग कहां थे बताओ मुझे, कहां थे ये लोग? जब यूपी में भ्रष्टाचार हो रहा था, जब किसानों से जमीनें लूटी जा रही थी, कहां थे ये लोग? अब चुनाव आया सब खड़े हो गए, इनकी बातों में मत आइए आप। आम आदमी की सरकार लाइए यूपी में, बदलाव की सरकार लाइए, प्रगति की सरकार लाइए, हटाइए इन चोरों को यहां से। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।